हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं ड्रू मैकइंटायर के टाइटल प्लान को, विंस मैकमैन ने किसे 100th बर्थडे विश करा, जेफ हार्डी गोइंग AEW, एज रिटर्न प्लान और एज स्टाइल फ्यूचर प्लान। इन सभी कमाल की अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है विंस मैकमैन से। उन्होंने हाल ही में अपनी मदर को 100th बर्थडे विश करा, जिसमें उन्होंने लिखा, हैप्पी 100th बर्थडे टू माय मॉम, मुझे होप है कि मेरे पास उनकी जेनेटिक है। आप सभी को बता दूं, विंस मैकमैन के फादर ने 2 शादियां करी थी और फर्स्ट वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया था और वो विंस मैकमैन फर्स्ट वाइफ के ही बेटे हैं। वहीं विंस मैकमैन के फादर और उनकी मदर की शादी 7 साल ही चल पाई थी। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जुड़ी हुई है जेफ हार्डी के फ्यूचर से। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जेफ हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म होने वाला है। जेफ हार्डी अभी शेमस के साथ स्टोरी लाइन में दिखाई दे रहे हैं और कमाल की बात यह है कि इस स्टोरी लाइन में अभी तक जेफ हार्डी को कोई भी जीत नहीं मिली है। वहीं अपडेट ऐसी है कि WWE जेफ हार्डी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, बट वो अभी तक जेफ हार्डी को कन्विंस नहीं कर पाई है। अगर जेफ हार्डी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो WWE उन्हें अच्छी स्टोरी लाइन में डालेगी, अदरवाइज उनके साथ भी वही होगा जो डीन एम्ब्रोस के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि जेफ हार्डी भी शायद अपने भाई मैट हार्डी की तरह AEW को ज्वाइन कर सकते हैं और शायद WWE इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए जेफ हार्डी को रोकना चाह रही है। वाकई अगर जेफ हार्डी AEW में जाते हैं तो WWE के लिए एक और झटका आने वाले टाइम में लगेगा। अब आते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे स्टाइल के फ्यूचर प्लान पर। तो रिसेंट में वो किसी के साथ फ्यूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट WWE ने कहीं ना कहीं इस बात की हिंट दी है कि उनकी फ्यूड फ्यूचर में किसके साथ दिखने वाली है, और उनकी ये फ्यूड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए समर स्लिम तक चलने वाली है। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि 17 जुलाई 2020 को होने वाला है, उसमें एजे स्टाइल वर्सेज मैट रिडल के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखना है। इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होगी जिसके बाद एजे स्टाइल और मैट रिडल के बीच WWE फ्यूड आगे बढ़ाएगी और फिर समर स्लैम में हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच टाइटल के लिए रीमैच दिखेगा। यही एजे स्टाइल का समर स्लैम PPV का प्लान सामने आ रहा है। वहीं बात करते हैं एज की, जो कि रैंडी ऑर्टन के खिलाफ बैकलैश में मैच लड़ते टाइम इंजर्ड हुए थे, जो कि इस टाइम ट्राइसेप्स की इंजरी से जूझ रहे हैं। एज की इंजरी और रिटर्न को लेकर खुद एज ने बताया, एज से पूछा गया कि आपके फैंस कब तक आपके रिटर्न की उम्मीद करें, तो एज ने कहा कि मुझे इंजरी के हुए 1 महीना हो चुका है और मैं अभी इस पॉइंट पर हूं, तो मेरी वापसी कब तक हो पाएगी ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं टाइम नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं रिकवर हो पाऊंगा, क्योंकि मैं पास्ट में भी काफ़ी बड़ी इंजरीज से जल्दी रिकवर हुआ हूँ। अब देखिए, अगर एज को पता भी है कि वो कब तक वापसी कर पाएंगे तो उसे रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि WWE उनके सरप्राइज रिटर्न को फिर से कैश करे और उसको बम्पर फायदा ले। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर से। द स्कॉटिश साइकोपैथ ने रसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हराकर टाइटल जीता था और अपना ड्रीम पूरा करा था। अब आने वाले टाइम में, या यूं कहूं फ्यूचर में, ड्रू मैकइंटायर के WWE चैंपियनशिप के साथ क्या प्लान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, WWE ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच समर स्लैम में WWE चैंपियनशिप मैच के लिए प्लान कर रही है, जिसमें रूमर्स ऐसे हैं कि रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर को हराकर न्यू चैंपियन बनेंगे और फिर फ्यूचर में हमें एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ऐसा इस वजह से भी सामने आ रहा है क्योंकि एज और रैंडी ऑर्टन काफ़ी अच्छे मैच अभी रिसेंट में दे चुके हैं और WWE को लगता है कि इन दोनों के बीच अगर टाइटल मैच होगा तो फैंस को इस मैच से और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ये सही होता है तो ड्रू मैकइंटायर समर स्लैम में अपना टाइटल जल्दी हारने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट जिसे मैंने आपके सामने रखा। कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।